हेलो मेरे यूट्यूब के प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबके लेकर आई हूँ बहुत ही फेमस लखनऊी बिरयानी। ये बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और मैंने इसे बहुत ही लाजवाब यहाँ बनाकर दिखाया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बनाते हैं डिलीशियस सी बिरयानी। यहाँ पर मैंने 1 किलो मटन लिया, आप देख सकते हैं ये चाप और बोटी वाला गोश्त है, इससे बहुत ही डिलीशियस बिरयानी बनने वाली है। मैंने इसे अच्छे से साफ करके यहाँ पर रख लिया है। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कुकर में आधा कलछी तेल लिया है और आधा ही कलछी में यहाँ पर देसी घी लूंगी। अब यहाँ पर घी और तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। घी और तेल यहाँ पर अच्छे से गरम हो चुका है। मैं डालूंगी आधी छोटी चम्मच शाही जीरा, 6 से 7 मैंने यहाँ लौंग ली है, 8 से 10 काली मिर्च चाहिए, 7 से 8 मैंने यहाँ हरी इलायची ली हुई है, 1 टुकड़ा दालचीनी का है ये, 2 बड़ी इलायची मैंने यहाँ पर डाली है, 2 जावित्री के फूल है ये, 4 तेज पत्ते हैं, मैंने इस तरह से इन्हें काट दिया है। अब यहाँ पर मैं इसे मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट फ्राई कर लेती हूँ। 1 मिनट बाद मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच अदरक लहसुन का ये पेस्ट है, इसको भी यहाँ मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेना है। यहाँ पर 2 मिनट हो चुके, मैं डालूंगी मटन। मटन के सारे पीसेस डालकर हम इसे चला देते हैं। चलाकर मीडियम फ्लेम पर इसे हम फ्राई कर लेंगे 2 मिनट सिर्फ। यहाँ पर 2 मिनट हो चुके, मैं डालूंगी इसमें नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले लें, मैं यहाँ पर 2 चम्मच डाल रही हूँ। अब मैं इसको डालकर यहाँ पर चला देती हूँ नमक को, और इसे यहाँ पर ढककर 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर मैं पका लूँगी। यहाँ पर मैंने इसे ढककर 10 मिनट पका लिया था। अब मैं इसे एक बार फिर से अच्छे से चला देती हूँ। यहाँ पर मटन काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। यहाँ पर मैं डालूँगी 5 चम्मच पीली वाली मिर्च का ये पाउडर है। यहाँ पर मैंने एक प्याज को इस तरह से फ्राई कर लिया था, इसको भी मैं इसमें डालकर अच्छे से चला देती हूँ। यहाँ पर गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पर मैं इसे 2 से 3 मिनट फ्राई कर लूँगी। 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं मसालों ने काफ़ी अच्छा तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी फिटा हुआ 50 ग्राम ये दही है जिसे मैंने फेंट कर रख लिया था, इसको भी अच्छे से चलाकर यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट पका लेना है। यहाँ पर 3 मिनट हो चुके, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे ढककर 15 मिनट और पका लूँगी। 15 मिनट बाद मैं ढक्कन हटाऊंगी। आप देख सकते हैं मसालों ने काफ़ी अच्छा तेल छोड़ दिया है। हम इसे हम यहाँ पर अच्छे से चला देते हैं। यहाँ पर मटन और मसाले काफ़ी अच्छे से भूनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच इलायची का पाउडर है ये, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर जावित्री का पाउडर लिया है, इससे जो बिरयानी का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। यहाँ पर 2 चम्मच मैंने रोज़ वाटर लिए हुए हैं, इससे बिरयानी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह से हम यहाँ पर सारे मसालों को मैंने मिला दिया है। अब मैं यहाँ पर डालूँगी कटे हुए अदरक के स्लाइस है ये, 5 हरी मिर्च को मैंने इस तरह से बीच से काट लिया है, 1 प्याज को मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया था, इसको भी डाल देंगे। यहाँ पर मैं डाल रही कटा हुआ पुदीना। यहाँ पर मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और डालकर मैं इसे अच्छे से चला देती हूँ। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 300 ग्राम के करीब पानी मटन को पकने के लिए। गैस को फ्लेम को मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया है और इसे यहाँ पर एक बार अच्छे से चला देते हैं। यहाँ पर मैं ढक्कन लगाकर 4 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। यहाँ पर मैं साथ ही साथ चावल भी बॉईल कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर 3 लीटर पानी लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच देसी घी है ये। अब इसमें डालेंगे 3 चम्मच मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। यहाँ पर अच्छा बॉईल आने तक इसे पका लेते हैं। यहाँ पर पानी में अच्छा बॉईल आ चुका है। अब मैं डालूंगी इसमें चावल। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम बासमती राइस लिया था जिसे 1 घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। अब इसको यहाँ पर अच्छे से डालकर चला देते हैं। चावल को यहाँ पर 70% तक पका लेना, इससे ज़्यादा हमें यहाँ नहीं पकाना है। चावल यहाँ पर अच्छे से 70% तक पक चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए चावल कितने अच्छे से पका हुआ है। मैं एक चावल को आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। यहाँ पर ये चावल 70% पक चुका है, मैं इसे ठंडा कर लूँगी। साथ ही साथ मैं कुकर को भी देख लेती हूँ खोल कर। मटन यहाँ पर काफ़ी अच्छे से भून कर तैयार हो चुका है। अभी मैं इसे यहाँ पर खोल के 3 से 4 मिनट और भून लेती हूँ मसालों को। 3 मिनट मैंने यहाँ पर मसालों को भून लिया था। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा तेल छोड़ दिया है मसालों ने, और मैं यहाँ पर इसे चलाकर गैस के फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा कर लूँगी। ये बर्तन मुझे यहाँ पर छोटा लग रहा है बिरयानी को दम में लगाने के लिए। इस मटन को मैं दूसरे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया। अब मैं यहाँ पर चावल की परत लगा देती हूँ। इस तरह से हम सारे चावल की परत इसमें लगा देंगे। एक चावल की परत मैंने लगा ली। साथ में हम डालेंगे केसर वाला दूध है ये, 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। अब यहाँ पर मैं दूसरी परत भी लगा लेती हूँ। इस तरह से इसे अच्छे से हम फैला देंगे।
यहाँ पर मैंने चावल वाला पानी लिया जो कि एक कप के करीब है। इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच घी। अब यहाँ पर पानी और घी को अच्छे से मिला देते हैं इस तरह से। इससे जो बिरयानी का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर कर लें। और इस पानी को हम इस तरह से बिरयानी के ऊपर डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे केसर वाला दूध। अब इसे हम एल्युमिनियम पेपर से अच्छे से इस तरह से ढककर कवर कर देते हैं। इस तरह से इसे अच्छे से कवर कर देंगे, ऊपर से ढक्कन लगाकर इसे बंद कर देते हैं। और मैं इसमें एक भारी पत्थर रख के इसे 20 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लूँगी। 20 मिनट बाद मैं पत्थर हटाऊँगी और ढक्कन हटाकर इस पेपर को हटाऊँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त लखनवी बिरयानी बनकर तैयार है। इसमें खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। ये देखिए इसके पीस, कितनी लाजवाब और टेस्टी बिरयानी बनकर यहाँ पर तैयार हो चुकी है। मैं आपको इसे निकाल कर भी दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही कम टाइम पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बिरयानी बनाकर दिखाया है, आप देख सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।